एक ही टीम ने दोनों सेटअप को बुकिंग किया था, पावर को भी किया था, हमें भी किया था। और रहा बात कमेटी पावरफुल, तो कमेटी कमजोर नहीं था। अगर जय ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରୋହିତ କ୍ରିଏଟର ଡିଜେ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଲୁନ ଡିଜେ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, ତ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି, ତ ପରମିଶନ ଆଣିନଥିଲେ ସେଥିଲାଗି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସାର୍ଜନ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ୍ୟାନସଲ କିଛି ହେଇନି। ତ ସାର୍ଜନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଅଧିକ କ୍ରାଉଡ ଲାଗି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଜନ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। नमस्कार, आप सभी को डीजे सार्जन प्रोडक्शन में स्वागत है। जैसे कि करीबन दिन में हम छोड़े थे कि लाइव आएंगे, कुछ अपनों के साथ बात करने के लिए मैं ज़रूर, और इसके लिए एक पोल किए थे कि कम से कम कितना जन इसमें हाँ है, कितना जन चाहते हैं। तो करीबन 10,000 से, किधर है देखो, तो 10,000 से ऊपर इसमें मतलब वोट्स आया कि हाँ इसमें बात होना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, बाकी जितना भी जन वहाँ पर देखने के लिए गए थे, चाहे आप जिसका भी फैन है, बहुत सारा धन्यवाद जो आप लोग उतना दूर से आते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, बहुत जन ये कमेंट किए, ये मैसेज किए कि हम लोग इतना दूर से गए थे और हो नहीं पाया, यानी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया। तो मैं उन लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से खर्चा किए, तो सोचिए हम लोग का कितना खर्चा हुआ होगा, हम लोग का कितना मेहनत हुआ होगा, हम लोग कितना दिन पहले से गए थे, रात जगे थे। तो सोचिए हम लोग को कितना दिक्कत हुआ होगा, इतना सारा चीज़ तैयार करने के बाद, एक होता है ना पूरा खाना तैयार करने के बाद जब खाना को मुंह में लेने का रहता है और उस समय कोई छीन लेता है तो कैसा लगता है। सेम उसी तरह यहाँ पर सिचुएशन हुआ। देखिए पेमेंट बहुत बड़ा ये नहीं रहता है, बाकी जो टीम है, एक ही टीम ने दोनों सेटअप को बुकिंग किया था, पावर को भी किया था, हमें भी किया था। और रहा बात कमेटी पावरफुल, तो कमेटी कमज़ोर नहीं था। अगर एक कमेटी इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो पहुंच से लेके फॉर्मेलिटी से लेके सारा चीज़ उनके पास था। अब कोई इसमें बोलेंगे कि भैया अगर परमिशन था तो बजाए क्यों नहीं, अगर परमिशन था तो इसमें बजाए क्यों नहीं। तो एक बात बता देना चाहते हैं कि कभी भी परमिशन का जो बात होता है ना, वो तो उसमें देखिएगा कहीं भी आपको लिखित परमिशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बात है जो पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय आप लोग को देना होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसे जो आपको बताना ज़रूरी था, चाहने वाले सबके हैं। बाकी जिस तरह से कमेंट में गाली गलौज, कहाँ से गाली गलौज अधिक आता है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जिसको जिसको हाइड किया है उसको अच्छी तरह से पता है। सबसे पहले ये जो रीज़न बताएं, यहाँ पर कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इन्होंने अनुमान भी नहीं लगाया था कि इतना भी क्राउड हो सकता है। पूरा रोड रोड सारा चीज़ जाम हो गया। पहला दिन जो पुलिस से मिले थे, वो देखिएगा वीडियो होगा, तो उस समय प्रशासन ने बोले, जिस समय पावर का सेटअप नहीं लगा हुआ था, तो उस समय हम पूछे कि सेटअप है तो बस जस्ट बजेगा, सब कुछ सुनेगा, डांस करेगा, ये सारा चीज़ है। तो उन्होंने पूछा, वो बताए उस समय भी प्रशासन था, अगर कोई ऑब्जेक्शन रहता तो उस समय ही मना कर देते। फिर वो चल गए, फिर भैया ने भी बोले कोई नहीं, बात किया हुआ है, ऐसा कुछ अगर इशू आएगा, ये शुरू से ही बोला गया था हम लोग को, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आता है, बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उसी समय स्टॉप करा देंगे। क्योंकि देखिए सब तो अपना अपना घर चल जाएंगे, लेकिन हम लोग को तो रहना पड़ता है ना। तो दूसरा दिन जब हुआ, जब सेटअप लगा,
इसमें भाई मैं एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ, ना इसमें पावर डीजे का ना दोष है ना हमारा दोष है। जो आपस में माल को ज़्यादा कम बेसी लगाने के लिए हो रहा था वो मैटर इधर का नहीं था कि बुक उसके चलते कैंसिल हुआ या इसके चलते कैंसिल हुआ। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, उसके चलते भी कैंसिल नहीं हुआ और मेरे चलते भी कैंसिल मतलब नहीं हुआ। रीज़न क्राउड था, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, जिसके चलते प्रशासन अचानक से डिसीज़न नहीं लेने सके। मतलब इतना क्राउड हो जा रहा था कि पूरा जाम हो गया था और आदमी आते गया आते गया आते गया। तो इस समय बीच में प्रशासन तो जो SI ASI जो भी रहते हैं वो आके बात किए, देखिएगा वीडियो में काफ़ी देर तक हम लोग बात किए थे। फिर वहाँ से कलेक्टर शायद STO या कलेक्टर थे वो भी आए। उन्होंने क्या किया, आप चला सकते हैं लेकिन वो पूरा जिम्मेवारी वहाँ के जो थाना प्रशासन है उनको दे दिए। अगर आप अपने रिक्स पे चला सकते हैं तो आप चलाइए, लेकिन कोई दिक्कत होगा तो फिर सीधा सामान को सीज कर दिया जाएगा। अब बात यहाँ पर है कि दूसरा दिन सीधा कहा गया कि अगर बात तो ये भी था कि सीज कर लिया जाएगा, ऐसे बात उठ रहा था, तो बात ये भी उठा कि जब बजा ही नहीं है तो फिर सीज कहाँ से होगा एज ए गेस्ट के हिसाब से, क्योंकि भीड़ जिस हिसाब से हो रहा था ये आउट ऑफ कंट्रोल। और जगह भी कभी भी लोग ने ऐसा नहीं सोचा था कि वहाँ पर इस तरह से क्राउड होगा। मतलब सीधी बात है, प्रशासन ने हाथ खड़ा कर दिए थे जिसके चलते ऐसा सिचुएशन हुआ। अब आते हैं ये स्पीकर वाला क्या बात है। मैंने एक वीडियो भी छोड़ा था कि भैया से डायरेक्ट लाइव में बात करके, कि देखिए होता है क्या है कि इससे पहले जितना भी जिसका भी कंपटीशन हुआ है फर्स्ट बार जो लाइव आए थे, कुछ कुछ रोने लगते हैं वो चीज़ को लेके, लेकिन एक रियलिटी बताओ, कभी भी किसी का कंपटीशन हुआ है आज तक तो एक ही सेटअप से, चाहे जैसे भी लगा। बेल पहाड़ी में जो हुआ था, आप तो ऐसे तो नहीं हो कि पहले हम लोग लड़े थे जिसके चलते बाद में अगला को दो सेटअप लाना पड़ा। हम तो हम और पावर का जो कंपटीशन था ये तो दोनों के लिए फर्स्ट टाइम था। तो फर्स्ट टाइम में हम सिंगल सेटअप ला सकते हैं क्योंकि अब भी नहीं देखे थे। और ऐसा बात नहीं है कि क्वांटिटी कि पुराना रिकॉर्ड देख के, तो फर्स्ट टाइम जब हुआ तो बात यहाँ पर ये खड़ा था कि हमेशा से चाहे पावर हो या हम हो, उनके पास भी 10-9 था, उसमें भी क्या क्वांटिटी है स्पीकर का उसको भी पता है, और मेरे पास भी जो लेके गए थे। तो बात ये उठा था कि एक आदमी को दो सेटअप लाने का क्या ज़रूरत था। फर्स्ट टाइम तो समझ लीजिए चीटिंग उन्होंने किया। कल सॉरी जो चीटिंग चीटिंग चिल्ला रहे हैं, तो उस समय कहाँ थे आप लोग, इतने जो ज्ञानी दे रहे हैं कमेंट में जाके, उस समय कहाँ थे बेल पहाड़ी में। अब उस समय चलो एक बार कंपटीशन हो गया, चलो मानते हैं आप लोग का कुछ कुछ का कहना है कि एक गाड़ी में उतना लोड नहीं लेगा इसीलिए दो गाड़ी करना पड़ा, ठीक है चलाते हैं मोटो में। मोटो में क्या किसका क्वांटिटी कितना था, स्पीकर का गिनती जो आज कर रहे हैं, कल तो नहीं किए थे, कल तो नहीं किए थे ना आप लोग काउंटिंग। अब फिर जब स्पीकर का बात, अब कल ही क्यों कर रहे हैं, पहले भी तो कर सकते थे चर्चा एक बार भी, कोई भी यूट्यूबर हो कोई भी कमेंट हो कि भाई पवार ने ज़्यादा स्पीकर लाया था या कम स्पीकर लाया था, ऐसा तो कुछ भी बात नहीं हुआ। उस समय कहाँ थे, अब बोलोगे कि आप 21 इंची है या 18 इंची है, हम लोग 15 इंची है। तो नॉलेज देने वाले एक भाई साहब, पहला बात तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप टाइटल पे मत जाओ कभी भी, आप जो महत्व लेके बोल रहे हैं टाइटल पे मत जाओ भाई। तुम किसी से पर्सनली जो भी मैटर है, एक भाई के नाते बता रहे हैं, कोई भी टाइटल पे मत जाओ कि जो तुम बोला कि महत्व लोग, तो मैं भी महत्व ही हूँ ये बता दे रहा हूँ। कभी भी टाइटल पे मत जाना, किसी का भी, किसी का धर्म जाति पे मत जाना कभी भी नहीं, ये दिमाग में डाल लो। अच्छा है तुम्हारे पास नॉलेज है वगैरह जो भी है, बहुत अच्छा है, अपने पास रखो, बहुत सारा चीज़ बात है, बहुत बढ़िया बात है,
आदमी को सीखना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं कि जाति पे मत जाना, टाइटल जाति या धर्म किसी का भी उसमें मत घुसना कभी भी, ठीक है। अब मेरे पास कमेंट ये आए कि आप अगर 18 है तो 18 में होना चाहिए, 15 है तो 15 में होना चाहिए। जब आप स्पीकर गिनती कर रहे हैं तो एक बार भी तो कमेंट नहीं है कि 18 में 18 है। हाँ, आपने ये भी बोला, अरे हम लोग उसको 10-9 को छोड़ के अभी एडवांस आ गए तो हम लोग पीछे नहीं जा सकते। तो हम लोग भी अगर 18-21 में आ गए तो हम लोग भी थोड़ी ना 15 इंची जल्दी में खरीदने जाएंगे। कल दिन बोलोगे ट्यूटर ट्यूटर ए सेम रहना चाहिए, कीट सेम रहना चाहिए, जनरेटर सेम रहना चाहिए। पहला बात, एक तो नियम तोड़ते हो कि डबल सेटअप जो कभी आज तक था नहीं। दूसरा बात, स्पीकर का काउंटिंग आप ही ने सबसे हमेशा से बढ़ाया है। और परसों का बात बता रहे हैं, जो आप लोग बोले ना कि गाड़ी छिपा के रखा था, अब ये बताते। ठीक है, हमने लाइव पे बोला था कि 30-32 फीट में मेरा रहेगा, जिसको जो लगाना है लगा सकता है। अभी भी लाइव पड़ा हुआ है वीडियो, आप जाके उसको देख सकते हैं, साफ साफ बताया मैंने 32 में ही लगाया, और मेरे को जो लगाना था मैंने लगा दी, मैंने पहले ही बताया। क्या पावर ने जो बोला था, जो कागज में लिखा था, वो उसने लगाया था? अगर नहीं लगाया था तो अब बताओ, अब डर किसका? वो भी लगाता, वो भी कमेटी को बोलता कि सर्जन सर्जन की भी बोलो कि 80 स्पीकर लगाने। अगर कमेटी बोलता तो मैं जरूर लगाता। पावर को भी तो बोला था, और सामने लगा, सामने क्यों नहीं लगाया? अपने 32 की जगह क्यों एक बार भी वीडियो में नहीं बोला कि हम 32 से ज़्यादा लगाएंगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो अभी ये जो गेम जो चला रहे थे, सबसे इंटरेस्टिंग बात अब ये सुनो। पेड में लिखा 80 स्पीकर, और जिस दिन गाड़ी जो इंग्लिश में वैन बोलते हैं उसका भी वीडियो बताएंगे, भले आप लोग को बुरा लगता हो लेकिन हम भी कहाँ से देखें वो भी बताएंगे। ठीक है, जो आप लोग का वैन या गाड़ी रहता है, तो उस समय एक यूट्यूबर को दिखा रहा है कि वो बता रहा है 18 बेस 18 मिड ऐसे समथिंग, 15 बेस 18 मिड ऐसे रहेगा बोल के। तो भाई ये तैयारी कब हुआ था बताओ? यानी ये सार्जनदा को या यूट्यूब में शो किया कि 8 बेस या 12 बेस 8 टॉप ऐसे कुछ, 20 बॉक्स 20 बॉक्स ऐसे कुछ, और इधर प्लानिंग चल रहा था कि 14 तारीख को दिखाएंगे। वो तो अंदर ही खबर मिला था, इसीलिए मैंने भी अपना तैयारी बना के ही रखा था। इसीलिए देखना, इससे पहले कभी भी कोई भी जगह मेरा गाड़ी पे एक्स्ट्रा नहीं जाता है, कहीं पर नहीं जाता है। तो फिर उस दिन क्यों गया, 14 तारीख को क्यों गया? 14 तारीख को पहले से मतलब था कि पावर फिर से चीटिंग करेगा, वो फिर से ज़्यादा माल लेके वहाँ बना रहा है, और वो फिर से जो वो लेके आया था। अच्छा ठीक है, चलो हमको देख के उसने, कोई कोई ज्ञानी बाबा आएंगे अभी बताएंगे कि वो तो आप लगाए इसीलिए वो माल बढ़ा लिया। एक चीज़ बताओ, आप जब लगाए तो क्या मैं घर से वापस मंगा लिया या पहले ही लेके आया था? पहले ही लेके आया था ना, और एक गाड़ी तो आपने भी तो पहले ही लेके आया था। अगर मैं लेके नहीं आता तो आपने भी तो माल ऑलरेडी बढ़ा के रखे थे। चलो मैं तो कायम रहा कि 30 फुट में बोला था, 30 फुट में लगाया। आपने जो 20 बॉक्स बोले थे, 20 बॉक्स क्यों नहीं लगाए? आप तो पहले ही गाड़ी लेके टोटल ट्रोला अपना जो भी है गाड़ी लोड करके पहले ही अपना तंबू पूरा पहाड़ लेके पहले ही रेडी था कि ठीक कागज दिखाते कुछ और है, लेके आते कुछ और है। मैंने भाई अभी भी वीडियो प्रूफ है, 30 फीट बोला था कि जिसको जो लगाने लगाओ। अब यहाँ पर कुछ गानी बाबा बोलेंगे हम लोग को तो दो गाड़ी में एक अभी बोतल का ज्ञान दे रहे हैं। अरे बाबा ठीक है, गाड़ी में तुम्हारे एक गाड़ी में उतना लोड नहीं होगा, जमीन पे तो हो सकता था। जमीन पे तो आप कर सकते थे, 30 फुट के अंदर 30 के जगह 32 होता, सॉरी हाँ 32 के जगह 33 होता, या हाफ फुट कम होता। क्या हम लोग को नहीं पता है कितना है? 6.5 का आपका जो 4 18 है पॉप मॉडल,
और लगभग 7 फीट का जो 21 इंची है। तो कितना फुट है आप थोड़ा सा जोड़ लीजिए, और 6.5 है आपका पॉप का मॉडल, 6 से 6.5, 6.5 का कवर है। ठीक है, आपको तो जमीन पे रख के बोला गया था ना 14 तारीख वाला, तो 14 तारीख वाला जमीन पे था, तो आपको जमीन में गाड़ी वाला में चल रही है, रोते थे कि चलो दो दो गाड़ी में एक गाड़ी में लेता नहीं है, जमीन में तो 32 फीट में आपको रखना चाहिए था, जमीन पे क्यों नहीं रखा, आप भी हाइट करते। आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया, पहले तैयार कुछ और था। आप ये बताओ, ठीक है मेरे को देख के आया, मेरे को तो पहले से ही खबर था कि हाँ इस बार कुछ बड़ा चीटिंग होने वाला है, ये साफ सा बता रहे हैं, बड़ा चीटिंग होने वाला है। जब माल घुस रहा है तब बता रहा है कि 18 समथिंग, 18 बेस 18 टॉप, ऐसे कुछ करके 20 बॉक्स से 40 बॉक्स कैसे हो गया, या ऐसे कुछ जो आंकड़ा है देखना पड़ेगा। हाँ 18 बेस 18 टॉप मेरे ख्याल से, ये तुरंत तुरंत कैसे हो गया। चलो मेरे मेरा तो करीबन शाम शाम को हुआ था, अचानक से इतना माल, नया माल कहाँ से आ गया, नीचे का पॉप मॉडल, ये तो पहले से तैयार ही था कि चाहे कुछ भी हो जाए सार्जन को बेईमानी करके ही घर घुसाएंगे, लेकिन उतना आसान है नहीं बॉस। ठीक है घर बैठे बहुत जन आपको हीरो बना देंगे कमेंट सेक्शन से, रियलिटी में जो सुना है उसको सही से पता है, मैंने आपके बारे में कभी बुराई नहीं किया, लेकिन आपने भी जो बीएम रिमिक्स और आप भी थे, चीटिंग किया, चीटिंग किया, चीटिंग का तैयारी कौन किया था, ये तो पहले से ही हमको पता था, इसलिए तो मैं गाड़ी साइड में एक्स्ट्रा, मेरा भी 3 ही गाड़ी जाता, लेकिन जब पता चला कि ये 30 फीट में नहीं होगा, ये बड़ा होने वाला है, जिसके चलते कमेटी का जो डीजी था वो कैंसिल करा के वो अपना 2 डीजी कराया, सारा खबर है बस। और जब गेम उल्टा पड़ गया, चीटिंग इधर करने के लिए कोशिश किया था, चीटिंग जब जब गेम उल्टा पड़ गया तब गिना, आज याद आ गया कि नहीं स्पीकर सेम सेम रहना चाहिए, तो ज्ञानी लोग स्पीकर उस समय कहाँ गया था बाकी शो में, 12 वैसे टॉप 8 टॉप क्यों नहीं लगाया, जो बोला था मैंने तो जो बोले थे वही लगाए भाई, मेरा जो कैपेसिटी है उतना जगह में उतना हम लगा के रेडी थे, एकदम तो लाइव में बोले, लाइव में आपने तो लाइव में दिखाए थे पैड में, तो फिर ये तैयारी क्यों, क्यों मकसद क्या था, इतना बड़ा चीटिंग, 140 पीस स्पीकर का तैयारी था। ठीक है, जब तुम नियम तोड़ेगा तो भाई, अब मैंने इस बार सोच ही लिया था जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी के भाषा में समझाना है, आज आज स्पीकर गिनना पड़ गया ना, अब बोलोगे तुम्हारा 21 है, तुम्हारा 18 है, कल दिन बोलोगे तुम्हारा ट्यूटर इतना है, किट इतना है, किट का कंपनी ये है, तार का मोटाई इतना है, जनरेटर का केबल का ये है, तुम्हारा मोबाइल ये मोबाइल नहीं, ये मोबाइल से होना चाहिए, भाई नियम मतलब क्या, पूरा चीज तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या। हम लोग मेदनीपुर वाले जैसे कुछ कुछ बातें आता है कि हम लोग मेदनीपुर वाले कुछ जन सबको नहीं बोलते, ये ध्यान में रखिएगा, मेदनीपुर में बहुत सारे ऐसे जन हो जो मैं खुद उनको भी फॉलो करता हूँ वो भी फॉलो करते, कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ लोगों के लिए ये बातें हैं जो हेट पहुंचाते हैं। अभी इसमें बहुत जन ये भी माहौल बना रहे थे हम लोग बंगाल किंग झारखंड की, भाई ऐसा कभी नहीं है, बस ये होता है जो म्यूजिक का लवर है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, चाहे वो बंगाल का इंडिया का कोई भी जगह का हो, वो रिस्पेक्ट देता है तो हम लोग भी रिस्पेक्ट देते हैं। अब कभी भी बहुत जन जो भी कॉल पे बात करता है या जिस चीज पे बात होता है, यहाँ पर बंगाल झारखंड उड़ीसा ये ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल भी जाते हैं, बंगाल वहाँ पर भी सम्मान मिलता है, उड़ीसा भी गए वहाँ पर भी सम्मान मिला, हरिद्वार में गए हरिद्वार में भी सम्मान मिला, तो
आज चीटिंग सूझ रहा है, ठीक है चलो कम से कम इस बहाने अगले बार स्पीकर ही गिना देना, पहले अब स्पीकर का रहेगा कैसे लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, क्या कर रहे, नहीं लगा रहे। अब स्पीकर अब तुम 18 लगाओ, 22 लगाओ, 24 लगाओ, 32 लगाओ, 50,000 वाट लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से कंट्रोवर्सी ही सिर्फ बढ़ेगा और कुछ नहीं। ये रियल था उनका इस बार, सबसे बड़ा चीटिंग करने का था, जिसके चलते ये जिस समय सुबह घुस रहा है बोल रहा है कि हम लोग ने बता दिया कि 18 बेस 18 टॉप जैक, वो भी सुबह जिस दिन एंट्री कर रहे हैं, ओ भाई चला कि कहीं और दिखाना, इसीलिए तो मैं रेडी करके था, खबर हमको पहले ही था कि आपके साथ बड़ा चीटिंग होने वाला है इस बार, इसीलिए मेरा तैयारी पहले से ही था। मैंने 32 फीट से वो बढ़ेगा तो 32 फीट से मैं भी बढ़ाऊंगा। कमेटी जो किए थे वो तो बताएं कि नहीं, वो नहीं मान रहा है, सामने भी नहीं लगा रहा है और काफी दूर भी लगा रहा है, और वो 32 फीट नहीं मान रहा है। जमीन पे था, जमीन पे तो एक के ऊपर एक लगा सकते हो। अब ज्यादा बोलेंगे तो इसी टॉपिक उठा उठा के कंट्रोवर्सी कराओगे, लेकिन जो सच बात था, चलो इस बहाने ये तो है, कल कल बार अब कभी भी सिचुएशन तो कम ही लगता है, अगर कल दिन कभी भी अगर होता है तो स्पीकर बता देना जरूर, बाद में चाई वाई करके कोई फायदा नहीं। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं कभी नहीं बोलता, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये कभी नहीं बोल सकता हूँ। सब साउंड ओनर के पास अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सबसे कुछ ना कुछ सीखने का, यही सच्चाई है। लेकिन आप लोग इसको टॉपिक बना के, कंट्रोवर्सी बना के, पूरा खिचड़ी पका के डाल देते हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कहीं का भी हो। जो भी सीनियर है मेरे से, बंगाल में भी है मेरे से सीनियर, उड़ीसा में भी है मेरे से सीनियर, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी करता हूँ, अभी भी सर बोल के मानता हूँ उनको, दादा बोल के मानता हूँ, बंगाल में भी है, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन ये एक चीज था कि चलो पहली बार स्पीकर गिनने आ गया, दिमाग में रहेगा कि नहीं अब हमको स्पीकर गिन के ही लेके जाना है, बाकी और कुछ भी बात रहेगा तो कमेंट कर देना, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाहने वालों के लिए, जो नहीं चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो जाते भी नहीं है वो घर बैठे ही कमेंट करते हैं, और एक ज्ञानी बाबा को ज्ञान देना चाहते हैं, दादा नॉलेज अच्छा बात है लेकिन कभी मत सोचना कि सारा चीज नॉलेज अपने पास है, एक बात जैसे आया था थेला, तो ये मैं अपने से नहीं बोला था, ये एक्चुअली अभी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों थेला बोलने से उसको इतना चिढ़ते हैं, मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ, ये है इसमें चल जाते हैं गूगल, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, गूगल सर्च ये आ गया यहाँ पर, गूगल सर्च को इन, चलो आ गया यहाँ पर, यहाँ पर ठेला गाड़ी, ये देखो ठेला गाड़ी सर्च करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं, ये सारा ठेला के कैटेगरी में आते हैं, इसमें हम इमेज कर लेते हैं, ठीक है, ये बहुत सारा है, ये भी है, और थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पर है, दिस इज माय मोटराइज्ड ठेला, अब इसको खोलते हैं, अब इसका पेज पे आते हैं, सॉरी फेसबुक पेज में डाल दिया, इसको देखो भिजी, ये देखो यहाँ पर जुगाड़ ठेला, देखो क्या लिखा हुआ है, जुगाड़ ठेला 180 इंजन बिहार का फाइटर,
अब बताओ दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या गलत बोला? देखो वो भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर ये भी लिखा है, दिस इज माई मोटराइज ठेला। भाई सबसे पहले ये एक जुगाड़ है ठेला का, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल से अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है कि ये रजिस्टर है बोल के। बिहार का फाइटर जुगाड़ ठेला, जुगाड़ ठेला 190 इंजन, यहाँ पर भी देख सकते हो। ऑटो एक्सपो 2023 जुगाड़ ठेला। आप लोग गलत मानते हैं लेकिन सही चीज़ दिखाना ज़रूरी है। अब बताओ, अगर मैंने ये अपने तरफ से नहीं बोला, बहुत जन बोल रहे थे कि भाई शायद आप लोग को नीचा दिखाने के लिए जो इसको चलाते हैं, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा ये अपना बोलावा नहीं था, हम लोग बचपन से इधर उसको ठेला ही बोलते हैं और आपको प्रूफ भी दिखा दे रहे, दुनिया उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर्ड वेरीफाई कोई ये चीज़ नहीं है, अभी तक इधर नहीं हुआ है, और इधर इसको वही चीज़ बोलते हैं। मैंने वही चीज़ बोला था जो बहुत जन को बुरा लग गया था। ठीक है, तो कौन चीटिंग ये मतलब करने वाला था, जो 80 स्पीकर से 140 का तैयारी लेके आया था, वो अचानक से एक दिन में इतना तैयारी कहाँ से कर लिया? मैं तो चलो उतना दूर से, मेरा प्रूफ भी था कि चार गाड़ी हम लेके आ रहे हैं माल, और वही गाड़ी से ही निकला, मैंने बाद में कोई चीज़ नहीं मंगाया। उसने कुछ नहीं छोड़ा था तो फिर वो पहले से इतना कैसे लाया था, मतलब क्या मकसद था? ये बड़ा चीटिंग का मकसद था, और इसमें बहुत ज्ञानी आएंगे धीरे धीरे इसको साबित करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई यही था और वहीं से खबर मिला था, जिसके चलते मैं पहली बार साइट पे एक्स्ट्रा लेके गया था कि आज उसको उसी के भाषा में, आज इतना दिन चीटिंग करते चला है ना, वो स्पीकर उसको गिनाना आज सिखाएंगे। और तब से देखो ये पहली बार हुआ है कि पूरा, मतलब अधिकतर जो मेदिनीपुर के हैं वो स्पीकर गिनना शुरू कर दिए। पहले तो होता ही था 32 32 स्पीकर का, लेकिन इस बार जो कंपटीशन में, जो मेरे साथ कंपटीशन में पहली बार स्पीकर गिनना शुरू किए, तो मेरा किसी से ये मकसद नहीं रहता कि किसी को मेरा कोई भी बात खराब लगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर हर जगह का कस्टमर आता है, मैं उसको ध्यान रख के ही काम करता हूँ। और रहा बात बुकिंग का, भाई ये कुछ कमेंट आते हैं मज़ेदार कमेंट कि वो तो गिना चुना रोड शो करते हैं। भाई गिना चुना रोड शो इसलिए करते हैं ना कि जहाँ करते हैं ना वो पूरा जाम लग जाता है, तो बहुत सोच समझ के देना पड़ता है। और रहा बात कंपैरिजन का, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, पावर का भीड़ तभी होता है जब सार्जन के साथ होता है, बहुत ही रेयर केस में चापातला वगैरह में ऐसे हुआ होगा, बोलते कि वो डेली काम करते हैं तो डेली में भीड़ नहीं होता है, आप कोई भी वीडियो उठा के जाके देख लो। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ, ये क्रेज नहीं होता है। और मुझे बहुत, देखिए पहला बात तो ये आप लोग का आशीर्वाद है, चाहे आप बंगाल से हो या झारखंड से हो, माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ बात आप लोग कमेंट करके इतना गाली उली बक के करते हैं, इसके लिए मैं आज मजबूर हूँ ये सारा चीज़ बताने के लिए। मैं किसी भी साउंड सिस्टम का, क्योंकि देखो हर बाजा वाला का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता हूँ, मैं अभी भी सम्मान करता हूँ। मैं तो कई सारे वीडियो में बताया कि वहाँ अगर हमिंग चलता है तो भाई लोगों को पसंद आ रहा है तो चल रहा है, उधर का बात है, इधर ईडीएम पसंद है तो ईडीएम चल रहा है। लेकिन अगर वहाँ से बाहर निकल के आप ये बोलोगे कि हम लोग का वहाँ पर यही चलता है, तो भाई तुम्हारा वहाँ पर वो चलता है, तुम वहाँ पर चलाओ। बाहर अगर वहाँ से दूसरा जगह नहीं, जहाँ नहीं चलता है, तुम वहाँ पर बोलोगे कि नहीं यहाँ पर यही चलता है, मतलब बात वही हो गया। भाई मैं अपना घर में गमछा पहन के घूमता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि वहाँ से कोई अगर दूसरा जगह जाते तो वहाँ पर भी आप गमछा पहन के ही कोई प्रोफेशनल जगह में जाओ, ये नहीं ना होता है। घर का बात अलग है, अपना जगह का बात अलग है, बाहर अगर जाते तो बाहर ऑल इंडिया क्या किससे चल रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है।
और उसके हिसाब से अपना भी पैसा फंसाते हैं। और रहा बात कंपटीशन का, तो कंपटीशन में तीनों चीज़ का होना चाहिए, बेस का भी, मिड का भी, वाइब्रेशन का भी और रेंज का भी, क्लियरिटी का भी, ये सारा चीज़ रहना चाहिए। म्यूजिक का तो वही पहचान ही है। फिर रिपीट करोगे मेरे मेदिनीपुर में ऐसे चलता है, तो ठीक है अपना मेदिनीपुर में चलाओ, वैसा बाहर नहीं ना चलेगा। बाहर तो जैसे पूरा ऑल इंडिया चल रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। हमने कब कहा कि आप यहाँ पर चलाओ बोल के, हर जगह एक ही चलाओ बोल के, या मना थोड़ी किया कभी। सबका इससे रोजी रोटी चलता है। तो आप दूसरा के रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप लोग कैसे दूसरे से रिस्पेक्ट पाने का उम्मीद रखते हैं। बहुत सारा साउंड सिस्टम है मेदिनीपुर का ही, पश्चिम मेदिनीपुर का, पूर्व मेदिनीपुर का, अच्छा से बात होता है, रिस्पेक्टफुली बात होता है। मैं अभी भी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारा चीज़ उनसे भी हमको समझ में आता है। क्यों, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं भी ये कभी नहीं बोल सकता कि मैं सारा चीज़ जानता हूँ बोल के। मैं उतना जल्दी हमेशा से बोलता हूँ कि उतना जल्दी मैं लाइव नहीं आने खोजता हूँ, लेकिन क्या करें, कचरा ये लोग ऐसे भर भर के रख देता है। कोई तुरंत दो चार स्पीकर बना के अपने आप को इंजीनियर समझ में लग जाता है। कोई बोलते हैं कि हाँ पॉप बेस, तो पॉप बेस आप एक बताया गया कि हम लोग RCF ये वो छोड़ के चल गए हैं, पहले EDM छोड़ के चल गए हैं। भाई मेरे, EDM तब भी था, अभी भी है और आगे भी वही चलेगा, रिमिक्स चलेगा, EDM ही चलेगा। और ये बात ध्यान रहना चाहिए, ये बात को थोड़ा ध्यान देना, हमिंग अलग हो गया, बेस अलग हो गया, बेस और वाइब्रेशन दोनों अलग है। 15 इंची में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आता है और 18 या 21 में सिर्फ वेट आता है बेस का, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी आएगा अगर वो क्वांटिटी रहेगा तब। साउंड इंजीनियर बोल देने से साउंड इंजीनियर नहीं हो जाता है कोई। चार मतलब छोड़ो, नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करना पड़ता है। बहुत सारे बात आए थे, बहुत और जो पॉप, बस डिफरेंस इतना है एक के जगह चार घुसता है, बाकी LD18 का ही पॉप का, LD18 का ही मॉडल है, वही सेम कॉपी चीज है जो चला रहे हैं, वो LD18 का ही कॉपी है, बस एक के जगह चार घुस रहा है, 6 घुस रहा है, 10 घुस रहा है, इस तरह का कुछ सिस्टम है। बाकी है तो वही, एक प्लाई में 4 घुसा दो, 8 घुसा दो, 6 घुसा दो। नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी होगा, ठीक है, मैं कभी भी नहीं बोला कि मैं विनर, वो तो पब्लिक डिसाइड करेगा कौन क्या हुआ नहीं हुआ, किसको कितना पसंद आया, किसको कितना नहीं आया। आप लोग एक दूसरे को इस तरह से कभी भी, चाहे मेरे चाहने वाले हो या किसी के भी चाहने वाले हो, एक दूसरे को कभी भी नीचा नहीं दिखाइए। मैं रिक्वेस्ट रखेंगे ये बात को, और क्योंकि ये हम भी चाहते हैं कि ये सारा चीज़ बंद हो, चाहे बंगाल का हो या झारखंड का हो या उड़ीसा या इंडिया का कोई भी कोना से, बस आप लोग का साथ रहे जिससे साउंड इंडस्ट्री चल पाए, सबको पसंद आए, इंटरेस्टिंग ही, इसको मनोरंजन तक ही रखें, ऐसे ऐसे गलत गलत बात मत फैलाएं ताकि हेट पहुंचे एक दूसरे को। पहले क्या हुआ है उसको भूल जाइए, आगे कोशिश कीजिए कैसे सबको एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। बाकी अगर मेरे से कोई गलती हो गया है तो मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ, और आगे भी कोई ऐसा कमेंट आता है तो मैं उसके बारे में भी माफ़ी चाहूँगा। हाँ लेकिन एक बात श्योर बताना चाहता हूँ, अगर कंपटीशन का माहौल कभी भी रहता है तो भाई पहले ही वीडियो बना देना। इस बार होगा तो चलो स्पीकर गिनती का आ गया है, अब स्पीकर गिनती सही होगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।